हेलो एवरी वन आई एम एम डी हुदा, फ्रॉम टाइम्स कैरियर चैनल सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉडल सेट ऑफ बिहार विच इज़ सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी सो हम लोग देखेंगे क्या है इसमें तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो फर्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है कह रहा है वाट इज़ वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूक्रोमैटिन ऑफ क्रोमोजोम ये यूक्रोमैटिन क्रोमोजोम का जो है क्या इसकी विशेषताएँ हैं क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है तो ये एक्चुअली जेनेटिकली एक्टिव होते हैं और इसी का जुड़वा जो होता है हेड्रोक्रोमैटिन वो जेनेटिकली इनएक्टिव होता है तो जेनेटिकली एक्टिव जो है इसका ऑथेंटिकेट आंसर है सो जेनेटिकली एक्टिव इज आंसर एक नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर जिम कार्बेट किसके लिए फेमस है तो यह टाइगर के लिए है एक्चुअली ये हाथी के लिए है लेकिन हाथी के बाद अगर हाथी अगर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तो टाइगर अगर हाथी होता ऑप्शन में तो हाथी आंसर होता और ये जो लाइन है ये तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे सही से अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पर जो हाइब्रिड बिगोर इज ड्यू टू तो, विच इवेंट इन द फॉलोइंग हाइब्रिड भीगर या संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है तो ये हेट्रोजाइगोसिटी से होता है हेट्रोजाइगोसिटी से होता है होमोजाइगोसिटी से नहीं होता है क्योंकि इसमें हाइब्रिड नहीं होता है इसमें एक ही नस्ल के जो है होमोजाइगोसिटी होता है तो तीन नंबर का इसीलिए डी नंबर आंसर है चौथा नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूम्स तो इसका जो है सही आंसर है कॉकीज़ ठीक है ना ही थंब है ना पिन्ना है ना पेल्विक है ठीक है अगर पिन्ना मेम्ब्रांस होता तो होता ये आंसर लेकिन कोकिज इसका ऑथेंटिकेट आंसर है सो चार का सी नंबर आंसर है उसके बाद जो है पाँच नंबर का क्वेश्चन में हीमोकोरियल प्लासेंटा पूछा है तो हीमोकोरियल प्लासेंटा में जो है ना रैबिट में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है लेकिन हॉर्स में नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन में आप लोग का ए एंड बी नहीं दिया हुआ है इसीलिए डी ही सही होगा तो डी होगा अगर ए एंड बी होता तो एंड बी आंसर आप लोग कर देते ठीक तो मैं इस इस हिसाब से डी को सही करार दे रहा हूँ अब आइए छः नंबर पे क्वेश्चन में हुच पॉलीनेटर इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाई सेंट ऑफ अ फ्लावर कौन सा ऐसा पॉलीनेटर एजेंट है जो सेंट से मतलब आकर्षित नहीं होता है तो इसका ऑप्शन है जैसा कि देख रहे हैं मौत है बटरफ्लाई है बर्ड्स है और बैट्स है तो इसका सही आंसर जो है मेरे ख्याल से बैट्स होना चाहिए क्योंकि ये जो है ना प्रसर्भ्य तरंगे से जो है ये ये कर रहा है अपना जो है आ, जो भी चालन जो होता है ना वो जाता है तो वो अपनी प्रसर्भ्य ध्वनि की सहायता से वो ये कर रहा है तो आप लोग भी मेरे ख्याल से यही आंसर होगा सही आंसर होगा ठीक है तो छः का डी आंसर सही है मनुष्य में जो है मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है तो इसका आंसर है स्किन कलर इसका आंसर स्किन कलर कलर ऑफ आइज ये जो है कलर ब्लाइंडनेस ये क्या बोलते हैं मैंटलियन डिजॉर्डर्स है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होता है तो ये ऑप्शन सही नहीं है हेयर कलर सेप ऑफ नोज ये सब कुछ भी नहीं है स्किन कलर सो सात नंबर का बी नंबर आंसर है सही आठ नंबर क्वेश्चन में बोला है कि द एजेंट दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस कैंसर इज कॉल्ड जो एजेंट होता है जो कैंसर को कॉज करता है तो वो एजेंट्स का नाम होता है कार्सिनोजीन्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कार्सिनोमा एक कैंसर का टाइप है लेकिन वो एजेंट नहीं है ये टाइप है और मेटास्टेसिस ऐसा सेल है जो कि नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदलता है और ओंकोजिन ये जीन का नाम है सो so, इसका सही आंसर है आठ नंबर का बी नंबर आंसर सही है न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं जैसा कि आप लोग को पता है कि डी और आर सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं एक प्रकार के नहीं होते इसीलिए नौ नंबर का बी नंबर आंसर सही है और दस नंबर का क्वेश्चन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इको सिस्टम कंजेस्ट ऑफ पूछ रहा है टी वन लेवल तो टी वन लेवल क्या होता है जो डायरेक्ट क्या बोलते हैं सन से एनर्जी लेता है कौन एनर्जी लेता है प्लांट लेता है तो प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो इसका ऑथेंटिकेट आंसर प्राइमरी प्रोड्यूसर अगर सेकेंडरी प्रोड्यूसर में जाएंगे तो इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हैं जो कि प्लांट को खाता है जो कि हेट्रोट्रोप्स है सो तो ये ऑटोट्रॉप्स है इसीलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर आंसर इसका सेंड ये ऑथेंटिकेट आंसर है दस का ए नंबर आप लोग टिक कीजिएगा ग्यारह नंबर क्वेश्चन में कोशिकीय जीन या नेम द सेलुलर जीन्स व्हिच न एक्टिवेटेड कैन काउज कैंसर ये आप लोग दोनों ही मार सकते हैं क्योंकि प्रोटो ऑंकोजिन पहले होता है और ऑंकोजिन बाद में होता है तो इस इस क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है इसीलिए दोनों ही सही हैं बारह नंबर में बढ़ते हैं तो ग्यारह नंबर का सी नंबर आंसर आप लोग टिक कीजिएगा बारह नंबर क्वेश्चन में है जीन गन कैन इंट्रोड्यूस जीन इंटू सेल विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से हो सकता है माइक्रोस्कोपिक प्लेट्स की वजह से और इसमें जो है माइक्रोस्कोपिक प्लेट्स में क्या क्या रखते हैं हम लोग गोल्ड रखते हैं और एक रोडियम वो जो मतलब ये होता है धातु होते हैं उसको रख के जिनगन में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो बारह नंबर का डी नंबर आंसर मारिएगा आप लोग तेरह नंबर क्वेश्चन में है फ्लेवर सेवर इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड तो ये टोमेटो आंसर है क्योंकि पहले पहले टमाटर सड़ जाता था तो इसका जो है स्किन को टाइट रखने के लिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है जो कि आजकल ये उतना सड़ता नहीं है तो ये जो है टोमेटो इसका आंसर होगा उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पंद्रह नंबर में द अपराइट पारिड पिड ऑफ नंबर इज ऑब्सेंट इन हुच ऑफ द फॉलोविंग कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है ऑब्सेंट है तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट आंसर इसका सही है ठीक है आप लोग फॉरेस्ट ही कीजिएगा ग्रेसलैंड में ग्रेजिंग फूड सिस्टम नहीं चलता है जबकि लेक में भी और पोन्ड में भी तीनों में नहीं होता है तो इसका सही आंसर है फॉरेस्ट उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा है पंद्रह नंबर का कि विच इज़ नॉट रिसाइकल्ड इन इको सिस्टम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी पड़े हैं तो एनर्जी जो है कभी रिसाइकल्ड होता ही नहीं है वो ए, ए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी यानी कि वो रिसाइकल्ड नहीं होता है ऑक्सीजन भी आप लोग पड़े हैं तो इसका पंद्रह नंबर का ऑथेंटिकेड आंसर डी नंबर आंसर है ठीक सोलह नंबर का क्वेश्चन पूछा है स्पैरोमेटो जो हुआ विच आर नॉट इजैकुलेटेड आर री एब्जोर्ब इन द देखिए सभी ऑप्शन गलत दिया हुआ है इस क्वेश्चन का इसका अगर एक ऑप्शन ये रहता कॉर्पस इपिडाइडेमिस तो वो आंसर हो सकता था तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन का लिख लीजिए कॉर्पस इपिडाइडेमिस कॉर्पस इपिडाइडेमिस कोई भी ऑप्शन सही नहीं है कॉर्पस इपिडाइडेमिस होता है जिन जिसका भी मतलब इस्पेरोटोजोवा नहीं हो रहा है इजुकुलेट तो वो रीअब्जॉर्व कर लिया जाता है कॉर्पस इपिडाइडेमिस से सो so, इसका आप लोग अलग से आंसर लिख लीजिए कोई कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ इसमें सत्रह नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू आर ड्राइव फ्रॉम हुच इम्ब्रायोनिक लेयर तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ड्राइव होता है मीजोडर्म से और इसका सही आंसर है सो सत्रह नंबर का बी नंबर आंसर सही है अट्ठारह का क्वेश्चन पूछा है कि एक्स क्रोमोजोम इज एक्स क्रोमोजोम कहाँ पर होता है मेटासेंट्रिक आप लोग क्रोमोजोम का जो है सेंट्रोमियर के बेस पर जो है क्रोमोजोम का डिवीजन किया हुआ है किया गया है एसेंट्रिक जैसे एक्रोसेंट्रिक टेलोसेंट्रिक तो ये सेंट्रोमियर के बेस पर है लेकिन मेटासेंट्रिक में एक्स क्रोमोजोम ही होता है ठीक है तो इसीलिए अठारह का सी नंबर आंसर एलोजोम आर द नेम ऑफ विच एमोंग द फॉलोविंग तो एलोजोम या फिर इसको सेक्स क्रोमोजोम बोलिए सेम बात है एलोजोम का दूसरा नाम ही सेक्स क्रोमोजोम होता है ठीक है जैसे कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोजोम होते हैं उसमें से 44 क्रोमोजोम ऑटोसोम कहलाते हैं और दो क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम या एलोजोम कहलाते हैं तो सेक्स क्रोमोजोम आंसर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बीस नंबर का और बीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंडोगेमी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग तो इंडोगेमी जो है ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये जो है लीगामिनस प्लांट अगर होता यानी कि दाल जैसी प्लांट जो दाल में होते हैं या मटर का हो या फिर मूंग का हो वो सब कोई ऑप्शन में नहीं है तो ये प्लांट से ही रिलेटेड है ठीक है जिसमें फ्लावर्स क्लोज रहते हैं या चश्मोगी या ऑटोगेमी ये सब दिया हुआ आपका एन में लेकिन उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है सो so, प्लाज्मोडियम तो ये ई हो गया मलेरिया कॉज वाला ये हो गया बैक्टर हो गया प्लेनेरिया इसमें मल्टीपल फ्रेगमेंट्स या फिर प्लेनेरिया में क्या होता है मल्टीपल फ्यूज़न होता है टीनिया हाइड्रा मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है प्लांट होना चाहिए लीगा मीनस प्लांट आप लोग लिख लीजिए लीगा मीनस प्लांट ठीक है लीगामिनस प्लांट लिख लीजिएगा आप लोग तो इसका ये अगर ऑप्शन रहता तो आंसर मार देते कोई भी दाल जैसे मूंग का हो गया पी का हो गया तो वो सब अगर होता तो इंडोगैमी वाला हो जाता तो इसका आप लोग सेपरेट से लिख लीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है वास्ट्रोअल साइकिल्स आकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्कीस नंबर का सी नंबर क्योंकि काउ जो है ये सब जो है सीजनल ब्रीडर्स है देखिए वास्ट्रोअल साइकिल किस में होता है सीजनल ब्रीडर्स जो साल में एक बार इंटरकोर्स करता हो ठीक है जैसे मैन हो गया मंकीज हो गया और अदर प्राइमेट्स हो गया वो सब क्या हो उसमें क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ठीक है उसमें होते रहता है उसमें साइक्लिकल चेंज होता है जिसमें साल में एक बार साइक्लिकल चेंज होते हैं उसे वस्टल साइकिल कहते हैं इसीलिए इसका इक्कीस का सी नंबर आंसर इज करेक्ट कन्फ्यूज करने के लिए ऑल ऑफ दिस भी दिया है लेकिन घबराना नहीं है काउ में आंसर मारना है

निपेंथिस खासियाना इसका यही आंसर है ठीक है इंडिया में भी ये पाया जाता है निपेंथिस खासियाना तो तेईस नंबर का डी नंबर आंसर है चौबीस नंबर पे पढ़ते हैं हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए यूज्ड ए एज वैक्टर इन जीन क्लोनिंग देखिए एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जो पाया जाता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है और वो डबल स्टैंडर्ड का होता है डबल स्टैंडर्ड का होता है गोल गोल होता है और उसका उसको नाम बोलते हैं प्लाजमिट बोलते हैं तो आंसर हो गया प्लाज्मिड फिर से क्वेश्चन पूछा है प्लाज्मिड से ही रिलेटेड टी आई प्लाज्मिट ट्रांसफॉर्म सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग देखिए बैक्टीरिया से हम लोग टी आई निकाल लिए उस प्लाज्मिड के थ्रू कोई भी हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन पीस ऑफ डीएनए को घुसा करके पौधों में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है तो इसका ऑथेंटिक कैट आंसर प्लांट आंसर मारिएगा आप लोग ओके जीन गन के थ्रू ठीक है उसके बाद जो है पच्चीस का सी नंबर आंसर हो गया छब्बीस का कह रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजफुल इन ये डी एन एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है तो इसका आंसर जो है डी नंबर आंसर है इसका सो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन सेन्थेसिस प्रोटीन सेन्थेसिस कौन करता है राइबोसोम करता है अमाइनो एसिड सेंथेसिस करता है न्यूक्लियोटाइड्स और उसके बाद डीएनए एन सेंथेसिस कौन कर रहा है ये सारा जो है आप डीएनए एम्प्लीफिकेशन में आंसर मारिएगा आप लोग छब्बीस का डी नंबर उसके बाद पूछा है टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबीटा एंड थोर्न ऑफ बा विलिया आर ये होमोलोगस ऑर्गेंस है आपकी जानकारी के लिए बता दूं कोई होमोलोगस ऑर्गेंस वैसा ऑर्गेंस है जिसका अंग तो समान होता है ऑर्गेन समान होता है बट फंक्शन उसका डिफरेंट होता है जैसे कुकुरबीटा का थॉर्न क्या होता है कोई क्लाइंबिंग के लिए होता है टेंड्रिल्स क्लाइंबिंग के लिए होता है घर में जैसे भी होता है वो ए, 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 एक सन्टी रख दो या फिर कोई कोई भी लकड़ी रख दो उसमें चढ़ लेता है लेकिन ऐसा ये ऐसा में ऐसे नहीं होता है सेम ऑर्गेन्स है लेकिन फंक्शन अलग अलग है इसे होमोलोगस कहते हैं ठीक है और वेस्टिजियल जानते ही हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है अवशेषी अंग कहते हैं उसको और एनालोगस जो ऑरिजिन yeah, में समान ना हो बट फंक्शन एक हो उसे एनालोग कहेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सत्ताइस का इसीलिए ए नंबर आंसर हो गया अट्ठाइस क्वेश्चन का यह है कि डार्विन डार्विन फिंच ने क्या कहा था एडाप्टिव रेडिएशन एडाप्टिव रेडिएशन अनुकूली विकरण प्रकृति नेचुरल सिलेक्शन ये आप लोग ये मत कीजिएगा कन्फ्यूजन कीजिएगा डार्विन से ये भी रिलेटेड है लेकिन इसका चार्ल्स डार्विन आ जाएगा क्या आ जाएगा चार्ल्स डार्विन दो डार्विन है आप लोग का सिलेबस में एक डार्विन फिंचेस और एक चार्ल्स डार्विन याद रहे चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल ने सिलेक्शन का थ्योरी दिया था और डार्विन फिंचज ने एडेप्टिव रेडिएशन का हैपोथेसिस दिया था समझ गए चलिए इसीलिए अट्ठाइस का डी नंबर आंसर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आर्क्योप्टेरिक्स फोसिल बर्ड इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन आर्क्योप्टेरिक्स में दो टाइप्स का ट्रीट पाया जाता है क्या होता है एंड बर्ड्स रेप्टेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर्क्योप्टेरिक्स एक मिसिंग लिंक भी है एक मिसिंग लिंक भी है अभी इसको मिसिंग लिंक कहा जाता है और ये किस युग में पाया जाने वाला है जुरासिक में इससे भी क्वेश्चन आता है कि आर्क्योप्टेरिक्स का जो है फॉसिल किस युग में पाया जाता है तो जुरासिक आंसर मारिएगा और ये किस किस के बीच का ये कॉम्बिनेशन है तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स सो आंसर इज बी इज करेक्ट ठीक है थर्टी का ये आप लोग को कन्फ्यूजन करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा है कि डाईहाइब्रिड कंडीशन इज डाईहाइब्रिड कंडीशन के लिए आपको कंडीशन क्या हो सकता है आप लोगों ने पढ़ाई है मेंडल ने क्या क्या यूज़ किया था एक ऐसे और इसके क्रॉस करवाया था किससे इससे इस तो एक ऐसा ले लीजिए एक ऐसा ले लीजिए एक ऐसा ट्रीट और एक ऐसा ट्रीट तो जो ऐसा है यानी कि इस तरह से है उसको ले लीजिए यहाँ पे आपका जो है कन्फ्यूजन इस हिसाब से अगर मिलता जुलता कोई है तो ये वाला देखिए टी बड़ा टी स्मॉल टी बड़ा आर स्मॉल आर तो ये सारे के सारे ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं ठीक है ये सब में होमोलोगस है इसमें डबल टी ए, ए, सेम सेम प्रजाति का ले लिया है और इसमें भिन्न प्रकार का तो इसीलिए सी आंसर इज करेक्ट ठीक है इस हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है आप लोग को थर्टी का सी नंबर आंसर उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है थर्टी वन का डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड देखिए एक ही जीन के फॉर्म को क्या कहते हैं हम लोग मल्टीपुल कहते हैं मल्टीपुल एलिलिज्म तो इसको एलेल दिया हुआ है कोई बात नहीं तो एल मार दीजिएगा और अगर एलेल ए बी ओ ब्लड ग्रुप अगर पूछता कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप कितने जीन से बना हुआ होता है तो एक ही जीन से बना होता है और इसका एग्जाम्पल है एलिल और कुडोमिनस भी इसको कू डोमिनस भी कुडोमी यह सब भी एग्जाम्पल हो सकता है ठीक है ए बी ओ ब्लड ग्रुप और कोडोमिनेंस यह किसका एग्जाम्पल है मल्टीपुल एलिल का ठीक है इसका एग्जाम्पल है और एक ही जीन के अधिक गुण को या एक से ज़्यादा गुण को क्या कहते हैं एलिल कहते हैं तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप भी एक जीन से बना हुआ है ठीक है कंफ्यूज़ मत कीजिएगा कि ए होता है किसी का बी होता है किसी का ओ होता है तो एक ही जीन का है ये मॉडिफिकेशन जिसको एलिल कहते हैं हम लोग ठीक है तो एक तीस का डी नंबर आंसर उसके बाद बत्तीस क्वेश्चन में पूछा है कि टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है यानी कि कैपिटल सेल्स हो देखिए ये माइटोटिक डिवीजन दिखाता है लेकिन कभी कभी ये इंडो माइटोसिस एंड पोलीपोलाइडी भी दिखाता है ये ठीक है ये अपना प्रॉपर्टी ए भी दिखाता है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं कि ए एंड डी तो इसीलिए आप लोग जो है माइटोटिक डिवीज़न में ही मारिए क्योंकि ये ज़्यादातर माइटोटिक डिवीजन ही करता है सो so, थर्टी का ए नंबर इज सुइटेबल ठीक है चलिए यानी फिर से थर्टी थ्री क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग इम्ब्रायोसेक इज फॉर्म्ड बाय देखिए इम्ब्रायोसेक तो एक फीमेल गेमिटो है जो ऑब्यूल का ही चेंज रूप है मॉडिफिकेशन है लेकिन फॉर्म्ड बाय बोला है तो इसीलिए मेगा स्पोरेंजियम इस आंसर मेगा स्पोन जियम से फॉर्म होता है मेगा स्पोर दिया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेगा स्प्रोन मारना है फीमेल गैमेटोफाइट किसका नाम है इम्रायोसिक का इसका दूसरा नाम क्या है फीमेल गैमेटोफाइट इम्ब्रायोसिक का तो फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा इम्रायोसिक का दूसरा नाम तो नहीं पूछा है ना ये पूछा है कहाँ से बनता है फॉर्म तो इसीलिए मेगा स्पोर जेनियम ठीक है आंसर बी इज करेक्ट सो थर्टी में आते हैं विच वन इज प्रजेंट वन ट्रांसफर आरएनए एन एने टी आर में पूछ रहा है टी आर में कौन सा प्रजेंट होता है तो एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है और एंटीकोडोन को ही क्या कहते हैं टर्मी कोडोन क्या कहते हैं टर्मिनेशन कोडोन और ये टर्मिनेशन कोडोन पूरा जेनेटिक कोड में कितना होता है सिर्फ और सिर्फ तीन चौसठ कोडोन में से सिर्फ तीन कोडोन आप लोग याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है फिर से आने का संभावना है कि तीन एंटीकोडोन क्या है नेक्स्ट इसमें बताएंगे हम तीन क्या है नहीं है ठीक है उसके बाद जो है 34 में 35 में आ जाइए आप लोग कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है देखिए सेंट्रल डोगमा अगर आप लोग को आता है तो बढ़िया से इसका आंसर कर पाइएगा सेंट्रल डोगमा में क्या होता है डीएनए टू एमआरएनए एमआरएनए टू प्रोटीन सेंथेसिस तो यहाँ पर रिवर्स बोला है तो क्या होगा आर एन डिपेंडेंट ऑन डी एन डिपेंड रहेगा डीएनए पर ठीक है ये रिवर्स हो रहा है देखिए ये डी है ये एम है उसके बाद जो है ये प्रोटीन है ये इसका इसका रिवर्स बोल रहा है तो रिवर्स कर दो इसका एम आर एन ए किस में डिपेंड हो गया डी एन ए में लॉजिकल क्वेश्चन हैं आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा ठीक है ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे ट्रांसलेशन और जबकि यहाँ पे रेप्लीकेशन ठीक है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्टेज पूछा है इसीलिए आर एन ए जो है किस पे डिपेंड रहेगा डी एन ए में ठीक है एम आर एन ए होता एम आर एन ए कोई बात नहीं चलता है चलिए थर्टी सिक्स क्वेश्चन में आते हैं कह रहा है अजीन ऑफ ऑपेरन विच फॉर्म द रिप्रेशर प्रोटीन इज कॉल्ड इसका सही आंसर है रेगुलेटर जीन ठीक है उसके बाद थर्टी सेवन में आ जाइए थर्टी सेवन टिटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है तो जबड़े की हड्डियों को टीटनस का पता ही है कि क्या ये करता है ये जो है हमारे जाओ को या जबड़े को क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है और ये हड्डी से रिलेटेड है तो हड्डी जहां पे भी दिखेगा आपको वही आंसर मार दीजिएगा सो सैतीस नंबर का ए नंबर आंसर इज करेक्ट ठीक है 38 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है एड्स वायरस प्रोसेस ये तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का होता है ये एस एस आर का होता है ठीक है डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें होगा आरएनए इंटरफेरेंस जो तंबाकू के प्लांट्स में होता है ठीक है तो आप लोग डबल स्टैंडर्ड मत मारिएगा आरएनए इंटरफेरेंस में होता है 38 का ए नंबर उसके बाद 39 में क्वेश्चन पूछ रहा है एडिक्शन टू टोबैको इज कॉज्ड बाय तंबाकू की लत किसके कारण होती है देखो तंबाकू में एक विशेष प्रकार की पदार्थ पाया जाता है जिसे निकोटीन कहते हैं ठीक है निकोटीन कैफीन हीरोइन ये सब और अलग अलग चीज़ों में पाया जाता है और ये डिजिट चैप्टर से है कृपया आप लोग आठ चैप्टर को बढ़िया से पढ़े एन का उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चालीस नंबर का घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है देखिए इसमें क्वेश्चन डोमेस्टिक वेस्ट जो आपके बाथरूम से निकलता हो किचन से निकलता हो वेस्ट जो भी वेस्ट हो वो कहाँ चला जाता है वो नाला में चला जाता है तो वो इफ्लुएंट कहलाता है याद रहे इफ्लुएंट फ्लुएंट कहलाता है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन ये क्या है जो सड़ जाए नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ना सड़े एयर पोल्यूशन तो इसको छोड़ ही दो बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल क्या है कागज ले सकते हैं कूड़ा कचरा ले सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन हो गया प्लास्टिक हो गया जो सड़ता नहीं है ठीक है तो ई फ्लुएंट ये तो बह जाता है ना डोमेस्टिक वेस्ट ठीक है डोमेस्टिक घरेलू वाला चलिए तो 40 का बी नंबर आंसर हो गया एक चालीस में आ जाइए आप लोग कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग इज ठीक है कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसमें ई e. कोलाई आप लोग आंसर मार दीजिएगा सालमोनेला टाइप ही टाइफाइड टाइफाइड का ये है पैथोजिन है ये भी क्वान्टिनेटेड या प्रदूषित जल से होता है लेकिन जो जनरली होता है कॉमन वाला ये ई e. कोलाई होता है समझ गए तो 42 नंबर का बॉम्बे डक क्या है ये एक मछली है ये एक मछली है प्राउन भी नहीं है एक्वेटिक बर्ड भी नहीं है मैरिन स्नेल भी नहीं है ये फिश है एक ठीक है बयालीस का बी नंबर आंसर लाइसिन जिसमें भी हो जाए लाइसिन ये मक्के में होता है दो गुना अमाइनो एसिड होता है अमाइनो एसिड ठीक है दो गुना अमाइनो एसिड होता है दो गुना लाइसिन होता है किसमें होता है मक्के में होता है आप लोग बायो बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ लीजिएगा आराम से बायोफोर्टिफिकेशन उसमें सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है ठीक है बायोफोर्टिफिकेशन चैप्टर नंबर शायद नाइन नाइन या टेन ठीक है तैतालीस नंबर का डी नंबर उसके बाद चौवालीस नंबर में क्वेश्चन पूछा है बुल सीमेंट इज इन देखिए सीमेंट जो है ना लिक्विड नाइट्रोजन के फॉर्म में रहता है सो so, नाइट, लिक्विड नाइट्रोजन इज करेक्ट ए नंबर चौवालीस का ए अब पैंतालीस में आते हैं हम लोग पैंतालीस नंबर में क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इन सिल्क थ्रेड इज प्रोटीन सिल्क थ्रेड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो आंसर है फाइब्रोइन क्या है आंसर फिब्रोइन ये सब भी प्रोटीन है लेकिन सिल्क थ्रेड में नहीं पाया जाता है ठीक है छियालीस नंबर क्वेश्चन लेडिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती है देखिए लेडिक कोशिकाएं जो है लेडिक सेल्स ये तो एक्चुअली एंड्रोजेन को करता है एंड्रोजेन एंड्रोजन हार्मोन को करता है लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप तो टेस्टो टेस्ट मार सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमन वाला ये है प्रोजेस्ट्रोन भी फीमेल हो गया ऑस्ट्रोजन भी फीमेल हो गया ठीक है ये तो कोई है ही नहीं तो दोनों हो गया और लेडी सेल होता कहाँ पे है टेस्टिस में मेल के तो इसलिए मेल वाला हार्मोन चुनना है समझ गए तो इसीलिए छियालीस का ए नंबर आंसर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज कम्पोस्ट ऑफ हुच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ओरल कंट्रासेप्टिव जो हम लोग पिल्स के रूप में लेते हैं टैबलेट के रूप में लेते हैं जिससे हम लोग को बच्चा ना हो यानी हम लोग बच्चा ना लेना चाहे तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड हम लोग क्या करेंगे जिसमें स्ट्रोजन हो और प्रोजेस्ट्रॉन हो तो आंसर इज डी सैतालीस का करेक्ट स्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन वाला ठीक है चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है लैगिंग स्ट्रांड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉर्म्ड ठीक है ये इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो जाता है इसमें जो है दो ऑप्शन मतलब सही लग रहा है मुझे सो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा ये होता है लेकिन मेरे अनुसार जो है डी आंसर मार दीजिएगा आप लोग ठीक है तो अड़तालीस का डी आंसर इसमें थोड़ा सा ये है आपको देख के बताएंगे ठीक उन है उनचास नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है कि फ्रेम सिट्स म्यूटेशंस आकर हुए इसमें जो है ना अरेंज किया जाता है किसका क्रोमोजोम्स का अरेंज किया जाता है कौन का तो बैस इज डिलेटेड और एडेड इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें कर सकते हैं आप यही आंसर आप दे सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है अरेंज करते हैं वो जब टर्मिनेटर आ जाता है वो ख़त्म हो जाता है तो म्यूटेशन का मतलब ही क्या है उत्परिवर्तन मतलब परिवर्तन कर देना तो कभी कभी जुड़ता है कभी कभी डिलीट भी होता है एडेड वर्ड डिलेटेड दे सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है पचास नंबर क्वेश्चन में आ जाता है कि उबल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय देखिए उबल हाइपोथेसिस दिया था क्रिक ने और क्रिक ने ही डबल डबल हेलिक्स वाटसन और क्रिक ने ही मिलकर ये वाला डबल ये वाला डीएनए वाला दिया था नॉरेन बैर्ग ने दिया था क्या जेनेटिक कोड्स का और जो है हॉली और खुराना खुराना तो ये दिया था शायद क्या बोलते हैं प्रोटीन के इसमें रिस्पेक्ट में कोई बात की बात नहीं है इसीलिए पचास का जो है ए नंबर आंसर सही है ठीक है इक्यावन नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आर के पतन के कारण कौन है विच वन काउस डिग्रेडेशन ऑफ आर बी के डिग्रेडेशन में कौन सहयोग करता है तो आर्सेनिक कंपाउंड्स ठीक है हाइड्रोकार्बन्स नहीं होगा हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है ये तो पेट्रोलियम है जितने भी पेट्रोलियम बनता है वो हाइड्रोकार्बन है ये होता ही नहीं है आर के अमोनिया तो ये दूसरा चीज़ है जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका आएगा ये इस आर से कोई लेना देना नहीं है और सल्फर कंपाउंड्स इसका भी मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है इसीलिए इक्यावन का ए नंबर आंसर उसके बाद वाटर ब्लूम्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर ब्लूम्स जो है छोटे छोटे होते हैं वो कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं तो एलगी से फॉर्म्ड होते हैं किससे फॉर्म होते हैं एलगी से तो ये की एलगी दिया हुआ है यहाँ पर वाटर है कि अलग है हाइड्रेल अलग है ट्रैपा अलग है ठीक है इसका आंसर डी बावन का डी हो गया अच्छा तिरपन नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सॉयल टैग प्लेस बाय द प्रोसेस देखिए ये वेदरिंग भी होता है पेडोजेनेसिस भी होता है लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ रहता है अगर दूसरा तो पेडोजेनेसिस इसका सही ऑथेंटिकेट आंसर है क्योंकि वेदरिंग भी हो रहा है और ऑप्शन में बी एंड सी भी लिख रहा है तो इसका डी आंसर मारेंगे ओके मेल्टिंग तो कभी होगा ही नहीं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरे कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स की फ्यूचर्स क्या है तो ये क्या करता है आयरन काइमा आप लोग बी आंसर दे दीजिएगा ठीक है बी ऑप्शन इज करेक्ट 55 का क्या बोल रहा है फाइंगल हाइफिया रिमेंस इंट्रासेलुलर इन इक्टो माइकोरिज्जा देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा आउट ऑफ ये है लेकिन इसका आंसर इक्टो माइकोरिज्जा होता है इंडो माइकोरिज्जा नहीं होता है वैम अलग चीज़ होता है तो 55 का ए नंबर आंसर छप्पन नंबर क्वेश्चन में होता है पिलियोट्रोपिक जीन सॉज हुई टाइप ऑफ फिनोटाइप प्लियोट्रोपिक आप लोग पढ़े हैं आराम से जीन वो जो जेनेटिक क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी में तो ये क्या होता है मल्टीपुल फिनोटाइप्स होते हैं क्या होते हैं मल्टीपुल फिनोटाइप्स और ये वाला फिर से क्वेश्चन पूछा है डाईहाइब्रिड टाइप डायहाइब्रिड टाइप का जो डिफरेंस है उसी में आंसर मारना है इसीलिए संता तो 57 जो है डाईहाइब्रिड के कॉन्सेप्ट में है इसीलिए डाईहाइब्रिड के कॉन्सेप्ट में आंसर मारना है ठीक है हाइड्रोगेमिक को चुनना है चलिए फिफ्टी एट का देखते हैं विच वन इज द नेशनल एक्विटिक एनिमल अरे भाई समुद्र का जो है ये राष्ट्रीय ये क्या होता है राष्ट्रीय जलीय पशु ये हम लोग का होता है डॉल्फिन होता है ठीक है उसके बाद इन सीटू कंजर्वेशन देखिए इन सीटू क्या पूछ रहा है विच इज नॉट इंक्लूड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन इन सीटू कंजर्वेशन के तहत नहीं है दैट इज इक्सी सीटू के अंदर है तो सीटू में क्या आ गया बोटानिकल और जूलॉजिकल और ये इन सीटू में नहीं आता है बाद बाकी सब कोई इन सीटू में है ठीक है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है

चलिए तो साठ नंबर का इज करेक्ट एकसठ नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है रेट्रोवायरस और स्किड होता किसकी कमी से कौन सा इंजेम की कमी से एडीए की कमी से ठीक है एडीए का फुल फॉर्म एडीनो सीन एडीनो डाई अमाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यही घुमा के पूछ देगा कि स्कीट जो है किस इंजाम की वजह से होता है कमी से तो एडिमिशन डायोमस और ये कहाँ फॉर्म्ड होता है भाई लोग ये होता है डब्ल्यू में समझ गए चलिए इसका आंसर है इसीलिए रेट्रो वायरस इकसठ का ए नंबर आंसर कर लीजिएगा आप लोग बाउसठ क्वेश्चन में पूछ रहा है बौसठ नंबर में विच आर वेस्टिजियल ऑर्गेंस इन ह्यूमन ये तो क्वेश्चन कुछें, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब होगा निकटेटिंग मेम्ब्रांस होगा टेल वेटेबरा होगा विजडम टीथ होगा अगर यहाँ पे टेल और एक जो है वेस्टिजियल है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स क्या बोलते हैं इसको अपेंडिक्स नाम तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया से सुना होगा तो इसका डी आंसर कर दीजिए आप लोग बांसठ का तिरसठ में क्वेश्चन पूछ रहा है बी कपास यानी कि बी मतलब बैसिलस थेनेसिस जो है ए, किसका प्रतिरोध करते हैं भाई एकदम पूरा का पूरा इंसेक्ट को करते हैं क्या करते हैं बी इस तरह से होता है इसको क्या कौन खाता है इसको बॉल ऑर्म सब खा लेता है इसको ठीक है बॉल ऑर्म खा जाता है इसका मिड गट में जो है पी एच अलकालाई एक्टिवेट होकर के इसको पोर पोर इसको पोरेशन कह रहे हैं इसको इसको मार देता है इस बॉल ऑर्म को बहुत सारा होता है लेपिड बहुत सारा होता है वो बाद में बताएंगे आप लोग बढ़िया से इसको इसीलिए ए नंबर कर दीजिए तिरसठ का ए अब चौंसठ नंबर क्वेश्चन में आते हैं सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर देखिए पीसी यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि पीसीआर में कौन सा पॉलीमरेज यूज हो रहा है तो टैग पॉलीमरेज ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में तो ये किसके लिए यूज हो रहा है सोर्स थर्मोफिलिक बैक्टेरियम किसके लिए थर्मोफिलिक बैक्टेरियम ये फंगस नहीं होता है बैक्टेरियम होता है और वो भी क्या थर्मोफिलिक हेलोफिलिक भी दिया हुआ है लेकिन थर्मोफिलिक में होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग ईकोलाई द्वारा ठीक है और एक बात जान लीजिए कि इंसुलिन जो है सबसे फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो है मानव हार्मोन है सो so ये भी क्वेश्चन आ सकता है कह, कह देगा कि कौन सा रिकॉम्बिन पहला रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियर द्वारा हार्मोन है तो इंसुलिन मारना है और किससे तो इकोलाई e से ओके तो 65 का का बी नंबर आंसर योग्यतम की उत्तर जीविता देखिए वही वाला क्वेश्चन फिर से पूछ दिया है कि सर्वाइवल के लिए कौन है चार्ल्स डार्विन मैंने पहले ही बताया था दो डार्विन होते हैं एक एडेप्टिव रेडिएशन दिया था कौन डार्विन फिंच और चार्ल्स डार्विन सर्वाइवल दिया था तो आपका ये आई होप कंसेप्ट क्लियर है सिक्सटी सेवन में आते हैं अब कि विच ऑफ़ द following इज यूज एज ग्रीन माइनर्स और बायो देखिए इसका अगर जोयता होता ऐसे हम लोग भाषा में बोलते हैं जोयता जो पटवा के टाइप का होता है तो वो अगर होता तो वो आंसर होता तो फिलहाल के लिए आप लोग जो है राइस में आंसर मारिए फिलहाल के लिए ठीक है यही सही है अभी तक के लिए कुछ हद के लिए ठीक है अब 68 में आते हैं विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज अ माइक्रोबियल इन्सेक्टिसाइड बी जहां पे है उसी में मार दो बी टी ये तो बी है बी पी बी बीटी है तो इसको आंसर कर दीजिए आप लोग बेसिलस थे अब सिक्सटी नाइन में आते हैं हम लोग क्या है? द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होम होमोसेपियंस देखिए ये जो है क्वेश्चन आपको लॉजिकल पूछा है कि ये किसका सबसे ज्यादा ये होता है तो होमोसेपियंस होता है ना होमोसेपियंस होमोसेपियंस इससे पहले क्या आता है भाई लोग इरेक्टस होमो इरेक्टस तो इसका मतलब क्या हुआ होमोसेपियंस का सबसे नजदीकी कौन हुआ होमो इरेक्टस अब इसमें अगर इधर आइएगा तो होमो हैबिलिस आ जाएगा होमो हैबिलिस अगर पूछ दे क्वेश्चन कि होमोइरेक्टस का सबसे नज़दीकी प्रजाति कौन है तो होमो इरेक्ट होमो हैबिलिस आंसर मर दीजिएगा इन्होंने क्या पूछा होमोसेपियंस का और याद रहे कि सेपियंस जो है मॉडर्न ह्यूमन का यानी कि हम लोगों का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस और ये दो जो नाम दिया था बाइनोमियल नेम ये कौन दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इज लास्ट ठीक है द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेक वाटर इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स देखिए दो ट्रीटमेंट होता है एक प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अगर करेंगे तो उसमें बहुत सारा ये है जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं सो सत्तर का बी नंबर आंसर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सो धन्यवाद तो फ्रेंड्स अगर कहीं भी डाउट हो आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट को जरूर लिखें आज हमारे साथ नजमुल सर जुड़े हुए थे और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग